रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। दिल्ली में चुनाव की तारीख तेजी से नजदीक आ रही है, जिसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर रोज एक नई खबर सामने आ रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस लाइन में हैं और अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। केंद्र सरकार में भाजपा की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से सीटें मांगी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भाजपा से कुल 4 सीटें मांगी है। रामदास अठावले का कहना है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी की बीजेपी से बात चल रही है। अगर समझौता सफल नहीं हुआ तो फिर पार्टी अकेले 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आने पर भाजपा को समर्थन करेगी। दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं। भाजपा के पक्ष में माहौल ठीक है और जनता मोदी सरकार के कार्यों पर वोट देगी। बता दें, अठावले ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 70 सीटों पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था और इस बार के चुनाव में बाहर की पार्टियां भी सीएम केजरीवाल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।